अज ईटीटी अध्यापक यूनियन वालों वक् वक् जथेबंदियों के सहयोग नाल फाजिलका के बाजारों में रोस मार्च कढ़िया गया अते पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई और स्थानीय विधायक दुरिंदर सिंह कुबाया के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस मौके बोलते हुए ईटीटी अध्यापक यूनियन के वक् वक् आगुआ ने कहा कि बीते दिन ईटीटी अध्यापक यूनियन नू डंडियां नाल बुरी तरह कुटण वाले डीएसपी नू पंजाब सरकार मुअत्तल करे। जब तक डीएसपी नू मुअत्तल नहीं किया जाता उन्नी देर तक ईटीटी अध्यापक यूनियन पंजाब विच जिथे जिथे भी कांग्रेस दी रैलियां होणगियां कांग्रेस दी मीटिंगां होणगियां उन्हां दा बहिष्कार करेगी अते ईटीटी अध्यापक यूनियन कांग्रेस दी रैलियां दे विच जाके खलल पाएगी। अते इस तो बाद जेकर सरकार ने उन्हां दी मंगां ना मनिया तो वह संघर्ष नू तेज़ कर देंगे। इस मौके बोलदे हुए आगुआ ने कहा कि वोटां विच जिस तरह कांग्रसी उन्होंने घर वोटा मंगन आएंगे जिमें डीएसपी वालों उन्होंने किया गया है सारी ईटीटी अध्यापक यूनियन आपके परिवार समेत रिश्तेदार समेत कांग्रसियों का उही हाल करेगी। इस मौके ईटीटी अध्यापक यूनियन वालों डीसी दफ्तर फाजिलका का गेट धक्के पुलिस को खुला के डीसी दफ्तर के अंदर जाके कोरीडोर के पंजाब सरकार का पुतला फूका गया। इत्थे बोलते हुए वक् वक् आगुआ ने होर की कुछ कहा यह सब कुछ जानने लिए साडे पत्रकार साहिल कुमार की रिपोर्ट। सीएम साहब साड़ी आवाज़ जरूर सुनेंगे। दूसरी गल मैं ये भी करना चाहता सीएम चन्नी साहब कहते हैं भी मैं घर घर नौकरी दे रहा जेड़ा मैं वादा करता पूरा होता है लेकिन साड़ी 2364 पोस्ट 635 22 पोस्ट आ इस तो अलावा 8395 पोस्ट आर भी जिनी भी वैकेंसियां निकलिया ने अज तक एक सिंगल वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो असं सीएम साहब को चेतावनी देना चाहते हैं भी जिवें तुसीं साडे नाल कर रहे जे डांगा बारे जे जो थोड़े वर्कर या कैंडीडेट साढ़े घर वोटा मंगन आएंगे तो असं उन्हों का स्वागत भी जुतियां नाल करांगे। अज तुसी क्यों इतने इकट्ठे हो जी? अज का जो इकट्ठे होने का जो कारण है कल मानसा प्रशासन के वलों जो साढ़े बेरोजगार ने हत्थे अध्यापकों के उपर बहुत ही वैश्याना तरीके जानवरों के वांगू जो है हक मंगते ईटीटी टैट पास बेरोजगार लड़के और बहुत ही गलत तरीके दे नाल बस के बैठे हुए हैं जोड़े साढ़े बेरोजगार अध्यापक भैन और भाई है उन्होंने लाठियों के नाल जो हुजा मारिया जाती है और डीएसपी गुरमीत सिंह वालों जोड़ा बहुत ही घटिया मानसिकता जी कल मनुखी अधिकार की उसके उपर जी दिखाई जाती है। असी तो मांग करते हैं कि चरणजीत चन्नी साहब तुम जरा इस घटिया डीएसपी चलता करो नहीं तो जोड़ा गया असी थानू तो जोड़ा चलता करा एक महीना रह गया तो एमएलए साढ़े घर आएंगे असी जुत्तियां हार जोड़े एमएलए पावे अज थे कांग्रेसी चमचे जोड़े है वो सा बेरोजगार अध्यापकों जोड़ा वो गलत तरीके मार रहे है प्रोटेस्ट करना जोड़ा है वो साडा अधिकार है असी करते रहेंगे जो तक सू सा हक नहीं मिल जाता गा और जेकर इस चाल से चले और असी भी जोड़ा गया इन्हों टिक्किया जोड़ा वो कत्ती हो रहा है। सर साडा ईटीटी दी मंगां नूं लैके प्रदर्शन बहुत देर का चल रहा है लेकिन जोड़ा साडा अज का स्पैशल प्रदर्शन है वो डीएसपी के अगेंस्ट है जिन्हें अध्यापकों के
बहुत गलत तरीके लाठियां लाठी चार्ज किया। जब तुम अरेस्ट करके बसा च बिठा लिया उस तो बाद भी लाठिया मारन का है कोई हक, वह भी शीशे के मार रहे हो कि थोड़े अंदर इंसानियत नहीं हैगी कि डीएसपी के अपने बच्चे नहीं है कि डीएसपी बिना पढ़े लगे डीएसपी कि चन्नी साहब ने रखे ही इस वास्ते है कि जेडे अध्यापक आज जो चन्नी साहब की कोई रैली होंगी चन्नी साहब एक ही गल करते हैं ईटीटी यूनियन नहीं होनी चाहिए, ईटीटी यूनियन नहीं होनी चाहिए। जे चन्नी साहब ने ईटीटी यूनियन देना डर है क्यों ईटीटी की मंगा नहीं पूरा किया जाता। हूँ की मांग करते हो जी? असं अपन मंगा पहले जीडिया 2064 पैंती है वो एक बार साइड में रख के सब तो पहले साड़ी फर्स्ट मंग है कि डीएसपी को नौकरी तो निकालिया जाए, उस तो बाद असं अपन मंगा भी पूरी करवा के ही रहेंगे। और जे Thank you.
एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।